नमस्कार, मैं जेवी मनीषा स्वागत करती हूं आप सभी का उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सफर जिंदगी का। हमारे देश की भूमि इतनी पावन है जहां पर जन्म हुआ महारानी लक्ष्मी बाई का। ऐसे ही भूमि पर ऐसे और भी योद्धा पैदा हुए जिन्होंने देश की आजादी में सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उनके सानिध्य में वो पूरी जिम्मेदारियां निभाई जो एक महिला निभा सकती है। हम आपको आज जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वे हैं डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपका जन्म हुआ उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो ऐसे समय में आपका बचपन कैसा बीता? हम लोग दो भाई और दो बहन थे, मगर कोई फर्क नहीं किया है दो भाई और बहनों में। उनके जायदाद भी हम लोग के चारों में बिल्कुल बराबर बांट दिया। हालांकि इतने ज़्यादा नहीं थे, मगर जो कुछ था वो भी बिल्कुल बराबर था। ये नहीं है कि लड़कों को सब कुछ मिलेंगी और लड़कियों की शादी में का ऐसे कुछ टाइम था। और दूसरी बात है, हम लोग को वो भी आज़ादी दी अगर कोई काम करने के लिए, जो चीज़ आपको पढ़ना चाहते हो पढ़ने के लिए। तभी तो हम उसी वक्त हम पढ़ के हमने डॉक्टर बन गया। और हमारी बहन एक उस ज़माने के लिए बहुत ही एक नए चीज़ थी, वो डांस भरतनाट्यम वो बहुत सीखते थे, उसी में वो किया। और एक काफ़ी प्रोफेशनल डांसर भी हो गया वो, उसका नाम भी काफ़ी हिंदुस्तान में मृणालिनी साराभाई, वो हमारी छोटी बहन है। हाँ, और उस वक्त की सोच रहे थे कि अच्छे का परिवार के लोग तो कैसे नाच वाच नहीं करते है, तो सिर्फ वैसे उसी का है। मगर तभी भी उस सोच रहे थे कितनी हम लोग। और दूसरी बात है, हमारे घर में और हम लोग के बीच में बिल्कुल ये जात और क्या कह रहे हैं धर्म, ये चीज़ का कोई विचारधारा नहीं थे। हमारे पिताजी के सबसे बड़े दोस्त एक तो एक क्रिश्चियन था रोमन कैथलिक, और दूसरे एक मुसलमान साहब था। इसलिए हम लोग बचपन से ऐसे ही पाले हुए, तो बिल्कुल हम लोग कोई ये जात और मदद वगैरह का कोई फर्क नहीं। 1914 में मद्रास में जन्मी डॉक्टर श्रीमती लक्ष्मी सहगल के परिचय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। उनके बारे में कौन नहीं जानता कि मद्रास मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पढ़ने के बाद वे सिंगापुर चली गईं। किंतु शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1941 के युद्ध ने इनके जीवन की धारा ही बदल दी। भविष्य की स्याही का लिखा कौन पढ़ सकता है। आज ये कर्मठ महिला हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम डॉक्टरी पढ़ के पास होने के बाद वो उसी वक्त दूसरी विश्व युद्ध शुरू हुआ, और वो सरकार लेडी डॉक्टरों को फौज में भर्ती करने लगे, क्योंकि उधर की हॉस्पिटलों में काम करने के लिए आदमी लोगों को सब रेजिमेंटों के साथ बाहर भेजते थे, और लेडी डॉक्टरों को चाहते थे हॉस्पिटलों में, मगर हम नहीं चाहते थे क्योंकि हम काफ़ी ब्रिटिश के विरोध थे। नब्ज टटोलने वाले इस व्यक्तित्व को सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित इंडियन नेशनल आर्मी ने मैदाने जंग में पहुंचा दिया। उच्च कोटि की चिकित्सक होने के साथ साथ वे देशभक्ति के रंग में सराबोर भी थीं। इन्हीं के नेतृत्व में महिलाओं की एक रेजिमेंट का गठन हुआ जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। महिलाओं भी ऐसे थे बेचारे, बहुत ही गरीब तबके के थे और मजदूरों का परिवारों का, वो लोग पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, बाजार तक जाने के लिए हिम्मत नहीं था। तो समझ गया इन्हीं लोगों के से कैसे बनेगा तो फौज। मगर नेताजी इतना अच्छी तरह समझाया और उन लोगों को बता दिया कि आप लोग सिर्फ देश का आज़ादी के लिए नहीं है, महिला मुक्ति के लिए भी आप लोग लड़ेंगे, क्योंकि हमको ये बहुत खराब लगता है कि हमारे देश में हम लोग सिर्फ अंग्रेज़ों से गुलाम नहीं हैं, हमारा सामाजिक भी ऐसे बुराएं हैं जिससे हम लोग खुद गुलाम को बनाते हैं, और ख़ास करके औरतों को सबसे दबा के रखते। चेहरे पर उभर आई एक एक रेखा न मालूम कितनी कहानियां समेटे हुए है। हर बात पर जिन आंखों में सारा अतीत चलचित्र की भांति घूम जाता हो,
उन आंखों की जुबां पढ़ना सहज नहीं होता। आजादी से पूर्व और आजादी के पश्चात दोनों ही काल जिन आंखों से गुजरे हों, उन्हीं से देखने का मन होता है कि उस समय किस प्रकार की रुकावटें मार्ग को रोका करती थीं और किस प्रकार हमेशा सफल होने के प्रयास में वे जुटी रहती थीं। उस जमाने उस जगह में तो कोई युद्ध नहीं था, क्योंकि युद्ध सब इस तरफ बर्मा की तरफ, और उधर से ट्रेनिंग की बात इस महिलाओं को सबको हम लोग वहाँ उतार दिया बर्मा में, जहाँ मैदान जंग बिल्कुल था, और वहाँ जाके वो लोग आगे बढ़ के दुश्मन के खिलाफ लड़े, और वो भी जंगलों में रात का वक़्त में जब खूब बमबारी हो जाता था, और ये सब बहुत हिम्मत से बहादुरी से लड़े और कोई नहीं डरे, कोई नहीं ऐसे बात हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के साथ उन लोग लड़े। महिलाओं की शिक्षा व जागरूकता के प्रति उन्होंने काफी तवज्जो दी। आज भी वे खास तौर पर महिलाओं को अधिक सक्षम होने की बात पर जोर देती हैं। ये सबको मालूम होना चाहिए, कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है जब पूरा आप आधा हिस्सा को आप लोग नजरअंदाज करके उन लोगों के ऊपर दबाव, महिलाओं को भी एक बहुत भारी भूमिका निभाने है, और खास करके बच्चों का पालना है और बच्चों का अच्छी तरह अच्छा विचारधारा देना है और सब कुछ, ये सब माँ का 5-6 साल के अंदर जो माँ से सीखते हैं वो तो उम्र भर इसी को तो कायम रखते, इसीलिए महिलाओं को बहुत आगे बढ़ना है और महिलाओं को अपने ही सब निभाना है। आप हमें और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको बेहद पसंद हैं और कौन सी चीज़ें आपको नापसंद हैं। बस पसंद ये है सबसे, वो बच्चों से नौजवानों से मिलना और उन लोगों के साथ बात करना और उन लोगों को पूछने के लिए उन लोगों को क्या ख्वाहिशें हैं क्या करने के लिए, उसे तो बहुत मज़ा आता है। और सबसे ज़्यादा हमको खलता है जब लोग एक दूसरे के जात के नाम से, धर्म के नाम से, या औरतों को तो जब उन लोगों को देखते हैं कैसे तंग करते हैं कैसे उन लोगों को, वो हमको बहुत खलता है और उनके खिलाफ हम बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के लिए हलवा कर तैयार होता है। आप हमारी जनरेशन को क्या संदेश देती हैं? संघर्ष ये है, सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं। आपको अभी बहुत सारे लोग कहते हैं हम लोग, क्योंकि अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं खास करके महिलाओं के बीच में है, उन लोगों के तो समस्या के लिए और भी चीज़ के लिए, लोग कहते हमसे उसमें क्या लेना देना। बहुत सारे लोगों को कहे कि जब तक उनका अपने जीवन के ऊपर उसका तो असर नहीं होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं तो हमसे कोई इसे करने की क्या ज़रूरत है, तो वो चीज़ एक सबसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को जगाने के लिए और उसका ज़रूरत का बताने के लिए कि आप लोग आँख खोल के देखना चाहिए कि देश का हालत क्या है, जनता का क्या हालत है, और सोचना चाहिए छोटे सी चीज़ में भी आप जो कुछ आप मदद कर सकता है, क्योंकि दूसरों को मदद करने से ज़्यादा अपने तसल्ली हो जाता है, अपने जीवन भी प्रभावित भी हो जाते हैं उसी से, सिर्फ अपने अपने खुदगर्ज में तो कभी संतोष भी नहीं हो सकता है ना आगे भी बढ़ सकता है, इसलिए हमेशा आप लोगों को दूसरों को तो क्या हालत देखना चाहिए, दूसरों को जो जो चीज़ मुश्किलें हैं और सब, उसको किसी हालत में छोटे सी चीज़ में तो उसको ठीक करने के लिए, और कोई चीज़ है कम से कम कोई अच्छी बात लोगों से कहने के लिए, किसी से गुस्सा के साथ नहीं है, किसी के साथ ये नहीं सोचे तो वो तो बहुत कम है वो बहुत छोटी है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आपने हमें इतनी सारी बातें बताई, हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सोचे हमारे फर्ज है, हम कुछ करना ही है, नहीं हम कर कुछ करें दूसरों को भी दिखाना चाहिए और उन लोगों को भी, हमें उम्मीद है आप लोग सब हमारा जैसे हमने किया तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग ज़रूर कुछ करेंगे। लोग ध्रुव तारे को देखकर अपनी दिशा निर्धारित करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल भी एक ऐसा ही व्यक्तित्व हैं जिन्हें देखकर आज की पीढ़ी अपनी दिशा निर्धारित कर सकती है। इनका सानिध्य व इनका मार्गदर्शन हमें युगों युगों तक अपने कर्तव्य के मार्ग से डिगने नहीं देगा।
तो ये थी मुलाकात स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती लक्ष्मी सहगल के साथ। आपसे ये वायदा करते हैं कि अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में एक और हस्ती से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।